फ्रेंड्स, तो मैं ये जगह आपको हमेशा दिखाऊंगी ताकि आपको सब पता चले कि क्लाइमेट कैसा चल रहा है। तो ये यहाँ दिखाने से आपको आसानी से पता चलेगा क्लाइमेट का जो चेंजेस है। तो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ सब मज़े में होंगे, स्वस्थ में होंगे और खुश होंगे। और फ्रेंड्स, आज सुबह का टाइम निकल गया है। अभी मैं आज दोपहर को शूटिंग कर रही हूँ। अभी मेरे दोपहर का तो मैंने प्लान, मैंने लंच के लिए चावल है, करी है, तो दूसरा जो मैं करी बना के रख दी, चावल भी बन गया है। अभी ये होटल से मछली का करी लाएंगे बोले थे वैसे। और बाकी मेरा नहाना अभी हुआ नहीं। और आज बहुत धूप है तो आज मैंने कपड़ा सब सुखाने के लिए दे दिया है। बहुत ही अच्छा मौसम है और मौसम के हिसाब से अभी तो थोड़ा हवा चल रहा है। धूप भी बहुत ही गर्मी है, गर्मी चल रहा है। तो शाम को तो वैसे भी धूप हटता है, हटने के साथ साथ बहुत ही ठंडा माहौल रहता है। लेकिन घर के अंदर या इस टाइम के धूप के वजह से घर के अंदर शाम के वक्त भी बहुत गर्म रहता है। जब थोड़ा 8 बजे 9 बजे हो जाता है, 8 बजे से लेकर बहुत ही ठंडा हो जाता है। और कभी कभी 8 बजे के बाद ही ऐसे बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तो बारिश होता भी है और कभी कभी बहुत रात को जब 1 बजे 2 बजे का टाइम रहता है उस वक्त भी बहुत बारिश होता है। तो अच्छा रहता है, एसी डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरा एसी अभी ख़राब हो चुका है, बहुत दिन से यूज़ नहीं किया है। हम लोग एसी का बहुत इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो इसीलिए हम लोग गर्मी के मौसम में जब जो जून से पहले जो के मौसम के उस टाइम पे हम लोग एसी रिपेयर कर लेते हैं। फिर वो फिर से जब बहुत वो महीना हो जाता है तो बारिश का मौसम में बहुत ठंड रहता है, तो उस वक्त हम लोग एसी यूज़ नहीं चलाते ही नहीं है, तो उस वक्त उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर से उसको रिपेयर करना पड़ता है। ऐसे इसके लिए जो लोग इसके कंपनी से लोग आके उसका रिपेयर करते हैं। शाम को पानी देना है फ्रेंड्स पौधों को। और मैंने यहाँ पे ऐसे स्किन रूटीन मैंने, ऐसे आप देख सकते हो मैंने कल फेशियल किया था, तो थोड़ा सा आंखों के सामने नीचे थोड़ा जुली है। वैसे वो आज नहाने के बाद वो सब हट जाएगा। और बाकी से स्किन केयर के रूटीन में क्लेंजिंग, फिर टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, वो सब स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही 3 स्टेप आपको बहुत इम्पोर्टेंटली माइंड में रखना है। पहला जो होता है क्लेंजिंग यानी जितने भी डर्ट्स है उसको हटाना पड़ता है। जैसे आप या तो नहा के साबुन से नहा के उसके बाद थोड़े आधा 1 घंटे के बाद फिर उसको क्लेंजिंग कर लो। वैसे नहाने से पूरा डर्ट चला जाता है। यहाँ अगर आप कोकोनट यूज़ करके फिर नहाते हो तो थोड़ा और क्लेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद टोनिंग रहता है। तो टोनिंग में आप पहले इसमें कुछ ऐसे दही यूज़ कर सकते हैं, या कोई फ्रूट का जो फेस मास्क रहता है उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद टोनिंग के बाद भी आप थोड़ा हाथ से अपने हिसाब से थोड़ा फेशियल कर सकते हैं। ऐसे होम फेशियल से के बारे में मैं कह रही हूँ। आप चाहे तो बाहर जाके ब्यूटी पार्लर में भी कर सकते हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर में तो बहुत ही
बहुत ही दूसरा सिस्टम सब रहता है आपका, सब उससे तो फेस और भी ग्लो करता है। लेकिन घर में वो खर्चा भी बहुत ज़्यादा रहता है और उन लोग पूछते भी हैं कि स्किन के आपके स्किन कौन सा टाइप है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन के साथ उन लोग अपना जो ट्रीटमेंट है, अपना जो फेशियल जो हमको देने वाले होते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग के क्वेश्चन के हिसाब से उन लोग को वो लोग अप्लाई करते हैं। तो उससे पहले अपने स्किन के टाइप के बारे में बहुत जानना ज़रूरी है। किसी किसी का स्किन बहुत ड्राई रहता है, किसी का बहुत लिप्स के साइड पे बहुत ही स्किन बहुत ही ड्राई हो जाता है। तो क्योंकि उन और पानी पीना बहुत ज़रूरी रहता है, तो पानी से डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं रहने से लिप्स और बाकी का स्किन जो आँखों में जो ड्राइनेस या जो टायर्डनेस रहता है वो दूर हो जाता है। तो इसके हिसाब से आप अपना स्किन को रूटीन को मेंटेन कर सकते हैं। और जब स्किन टोनर के बाद होता है फेशियल, फेस मास्क लगाना रहता है, उसको आप या तो आधा घंटा या दो घंटा आधा घंटा में लगा सकते हो या तो 20 मिनट लगा सकते हो। जैसे आप गैप्स यानी कि इस फेशियल के बाद जो दूसरे जो फेशियल या दूसरा कोई फेस का जो कोई मसाजिंग क्रीम से आप करवा रहे हो, तो उसी हिसाब से आप फेशियल फेस में जो मास्क लगा रहे हो उसका टाइम, तो आप उसका टाइम जो लिमिट है उसको रख सकते हो। जैसे आधा घंटे का रख सकते हो या 20 मिनट का या तो 5 मिनट का या तो 10 मिनट का, ऐसे मिनट का मास्क रख के आप कर सकते हो। और दूसरा मास्क के बाद आता है मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइजिंग भी करने से मॉइस्चराइजिंग या तो आप हल्का सा दूध और बेसन का मॉइस्चराइजिंग का जो मसाज है वो दे सकते हो, या तो आपके जो भी क्रीम है जैसे लैक्मी क्रीम हो गया, पॉन्स हो गया, और मैंने जैसे कहा कि मेरा जैसा क्रीम है वो हो गया, वैसा कोई भी आप, ये तो फॉरेन प्रोडक्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रीम्स मिलते हैं, उससे आप मॉइस्चराइजिंग कर एक बार हल्का सा फेस में लगा के छोड़ दीजिए। और इसके बाद अगर एक्सेस ऑयल जब आता है तो उसको ना टिश्यू पेपर से एक्सरसाइज फेस में रहना नहीं चाहिए, उससे वो रहने से ना डर्ट फेस से आ सकता है या तो पिंपल्स आने के डर रहता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का वीडियो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप देखिए और आप बताइए आपको कैसा लगा आज का वीडियो। और फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट, फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड गिव मी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट एंड सपोर्ट मी।